तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका गूगल अकाउंट हैक हो जाता है तो उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है और आपके भी पास एक्सेस है तो आप उसे कैसे यहां पे रिकवर कर सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट आप बचा सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट हैक है या नहीं ये भी पता आप लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना यहाँ पे सेटिंग ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग ओपन करेंगे आपके सामने आपका सेटिंग निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा गूगल के नाम से, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा गूगल्स के नाम से मिल गया है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पे आपका गूगल का पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका वो ईमेल आईडी चूज करना है जो यहाँ पे आप जिस अकाउंट को आप चेक करना चाहते हैं, जो आपका अकाउंट हैक हुआ है। तो जैसे हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक ये ईमेल आईडी है और इसे मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ हैक है या नहीं, अगर हैक है तो इसे हम कैसे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैंने ईमेल आईडी चूज कर लिया है। अब आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थ्री डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा आपको सिक्योरिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सारा सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा योर डिवाइस का नाम, योर डिवाइस के नाम से। तो यहाँ पे आपके वो सारे डिवाइस देखने को मिल जाएंगे जो ये आपका ईमेल आईडी जिस जिस डिवाइस के अंदर लॉग इन होगा। तो यहाँ पे आपको वो आपका दूसरा मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो आपके ईमेल आईडी को आपके गूगल अकाउंट को हैक करेगा उसके डिवाइस का नाम यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे आपको उसके डिवाइस का नेम देखने को मिल चुका है तो आपको पता चल गया कि आपका यहां पे गूगल अकाउंट हैक है या नहीं। जैसे हम आपको दिखाते हैं यहां पे हमारा ये हमारा ही सेकेंड मोबाइल फोन है और ये हमारे पास हमारा सेकेंड मोबाइल फोन है और ये हमारा गूगल अकाउंट इस मोबाइल फोन के अंदर और इसमें भी लॉग इन है, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास दो मोबाइल फोन नहीं है और आपका जो गूगल अकाउंट है और यहां पर दो डिवाइस देखने को मिलते हैं तो यहां पर आपको करना क्या है, उस पर एक बार यहां पर क्लिक करना। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको उस वाले डिवाइस के आगे आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा जो आपका नहीं है। तो जैसे देखने को मिलेगा मैं इसे यहां पे हटाना चाहता हूं, ये डिवाइस मान लीजिए हमारा नहीं है और इसमें हमारा जीमेल अकाउंट लॉगिन हो चुका है, हमारा गूगल अकाउंट हैक हो चुका है इस मोबाइल फोन के अंदर, तो आपको यहां पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे मिलेगा सिंग आउट करने का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सिंग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे गूगल अकाउंट है वो आपके दूसरे मोबाइल फोन से लॉन्ग आउट हो जाएगा, यानी कि जो बंदा आपके गूगल अकाउंट को हैक करेगा उसके मोबाइल फोन से हट जाएगा, लॉन्ग आउट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इतना काम कर लेंगे लॉन्ग आउट करने के बाद आपको अपने गूगल अकाउंट का तुरंत आपको पासवर्ड चेंज करना है और अपना यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको इनेबल कर लेना है और अपने अकाउंट को अच्छे से ज्यादा आपको सिक्योर कर लेना और ऐसा पासवर्ड आपको फिर से बना लेना है जो किसी को पता ना चले। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा गूगल अकाउंट हैक है या नहीं। अगर आपको पता चल जाता है तो ऐसे आप अपने गूगल अकाउंट को बचा सकते हैं और आपका गूगल अकाउंट किसके मोबाइल फोन में हैक है यानी कि लॉगिन है वो यहाँ पे मोबाइल फोन देखने को मिलेगा और उसे यहीं से आप यहाँ पे सिंग आउट कर सकते हैं यानी कि रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं ऐसा करूंगा, आज आपको पता चल गया होगा कि अपने गूगल अकाउंट को हैक है तो कैसे हम बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।